एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश और आज मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में अपने वीर सैनिकों के शौर्य की कुछ गाथाएं लेकर आया हूँ। हमारे भारतीय सैनिकों के शौर्य की गाथाएं बहुत लंबी हैं, जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आज एक ऐसे वीर सपूत की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने हाथों से अपना पैर काट कर भी जंग लड़ते रहे। ऐसे वीर सपूत का नाम है मेजर जनरल इयान कार्डोजो। 1971 की जंग में एक बारूदी सुरंग के धमाके में इयान बुरी तरह घायल हो गए थे। हर किसी को लगा कि वह जीवित नहीं बच पाएंगे, पर इयान की मजबूत इच्छा शक्ति ने उन्हें जीवित रखा। धमाका होने के साथ ही वह बहुत दूर जाकर गिरे, पूरा शरीर खून से लथपथ और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। इयान को किसी तरह सेना के कैंप तक ले जाया गया, मगर कैंप में उपचार के लिए कोई डॉक्टर नहीं था, न ही कोई दवा उपलब्ध थी। सेना की ओर से मदद आने में अभी वक्त था। कुछ देर में इयान को होश आया। होश आते ही उन्होंने देखा जो पैर लैंडमाइन पर पड़ा था वह बुरी तरह खराब हो गई थी। उसके कारण इयान को असहनीय पीड़ा हो रही थी। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने अपने साथियों से अपना पैर काटने को कहा। सबके मना करने पर भी उन्होंने अपनी खुखरी ली और बिना किसी झिझक के अपना पैर काट डाला। इयान के इस काम को देखकर हर कोई हैरत में आ गया था। जंग में बने रहने के लिए उन्होंने अपने ही पैर को काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इयान कार्डोजी की गाथा वाकई काफी प्रेरणादायक है। देश के लिए खुद को समर्पित करने का काम हर कोई नहीं कर सकता। आज भी उनकी बहादुरी के किस्से को याद किया जाता है। नमन है ऐसे वीर सैनिक का। आइए अब हम बात करते हैं हमारे कारगिल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कैप्टन विक्रम बत्रा 13 जम्मू एंड कश्मीर के राइफल्स और कारगिल युद्ध के नायक के रूप में जाने जाते हैं। यह सबसे कठिन युद्धों में से एक था जिसका युद्ध संचालन कैप्टन विक्रम बत्रा कर रहे थे। 17,000 फीट ऊंची कारगिल की पहाड़ियों को वापस लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इस मिशन के दौरान बत्रा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी कामयाब रहे। पोस्ट 5140 पर कब्जा करने के बाद एक और मुश्किल मिशन पर चले गए। 7 जुलाई 1999 को पोस्ट 4875 को दुश्मन से आजाद कराने के लिए अपने दूसरे मिशन पर निकल गए। मिशन पर निकलने से पहले उन्होंने अपने पिता को फोन किया और उस महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बताया। शायद उन्हें पता था कि यह उनका आखिरी कॉल घर पर होगा। यह सबसे कठिन मिशन में से एक था। भारतीय सेना ने बड़ी मुश्किल से उस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया था, क्योंकि दुश्मन की सेना ऊपर चोटी पर बैठी थी जिसकी ऊंचाई 16,000 फीट थी और चढ़ाई ढलान 80 डिग्री था। ऊपर उनका एक अधिकारी साथी था जो गंभीर रूप से घायल था। बत्रा उन्हें बचाने के लिए निकल पड़े। जब उनकी मदद करने के लिए उनका एक साथी आया तो बत्रा ने उन्हें यह कहते हुए एक को ढकेल दिया कि आपके पास बच्चे हैं। उन्होंने अपने साथी सैनिक को तो बचा लिया, लेकिन खुद दुश्मन की गोली से शहीद हो गए। उनके शौर्य और पराक्रम के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी और उनकी गाथा हर भारतीय को बताना चाहिए। कैप्टन विक्रम बत्रा केवल एक सैनिक ही नहीं थे, वह हर भारतीयों के लिए एक सुंदर अध्याय हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा के अंतिम शब्द जय माता दी था। नमन है ऐसे वीर योद्धा का। इसी तरह एक और वीर योद्धा के बारे में बताना चाहूँगा। उनका नाम था संदीप उन्नीकृष्णन।
जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए शहीद हो गए थे। संदीप उन्नीकृष्णन नायर परिवार से ताल्लुक रखते थे जो बेंगलोर में रहते थे। वह सेवानिवृत्त इसरो अधिकारी के उन्नीकृष्णन और धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन के एकमात्र पुत्र थे। वह भी एक वैज्ञानिक बनना चाहते थे, पर उनका एक सपना और था, भारतीय सेना में जाने का। उन्होंने अंततः अपने सपने को पूरा किया और भारतीय सेना में उच्च पद प्राप्त किया। 26 नवंबर 2008 की शाम को दक्षिण मुंबई में कई जगहों पर आतंकवादियों ने हमला किया। उसी समय 100 साल पुराना ताजमहल होटल पर भी हमला हुआ था। होटल की इमारत में जितने भी देशी और विदेशी लोग थे, सबको बंधक बना लिया गया था। 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के कमांडर संदीप उन्नीकृष्णन की टीम को इस ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। बंधकों को छुड़ाने के लिए वह होटल में दाखिल हुए। 10 कमांडोज का एक समूह छठी मंजिल से सीढ़ियों से होकर होटल के अंदर दाखिल हुआ। तीसरी मंजिल पर कुछ महिलाओं को एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था, जो अंदर की ओर से बंद था। दरवाजा तोड़कर अपने एक सहयोगी सुनील यादव के साथ अंदर दाखिल हुए, जिसमें उनके साथी घायल हो गए। मेजर उन्नीकृष्णन ने उसे बाहर निकालने की व्यवस्था की और खुद आतंकवादियों से निपटना शुरू कर दिए। आतंकवादी भागकर होटल के किसी और मंजिल पर चले गए और उनका सामना करते करते मेजर गंभीर रूप से घायल हो गए और वीरगति को प्राप्त हुए। ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूँगा, ये शब्द अपने कमांडर्स को कहे गए उनके अंतिम शब्द थे। 26 जनवरी 2009 को उनको भारत के अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। धन्य है ऐसे वीर जवान। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे वीर सैनिकों की गाथा? आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ हमारे सभी दोस्तों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।